जोहार दोस्तों, मैं राहुल कुमार एंड दिस इज माय भाभी। और आज हम लोग जो है झारखंड का फेमस डिश बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है फुटको बोलते हैं इसको। देखिए, हम लोग आधे घंटे इसको पानी में भी, ये देखिए हम लोग काट लिए हैं फुटको को। और ये पहले तो ये मार्केट से जब लेते हैं हम लोग, तो इसमें इस बहुत सारा मिट्टी रहता है इसमें, तो उसको आधा घंटा हम लोग जो है पानी में धोते हैं, भिगोते हैं। भिगो करके फिर इसको सारा मिट्टी झाड़ करके और इस तरह से साफ करके, पानी से धो करके इस टाइप से रख देते हैं। और पहले प्याज को भूजा जा रहा है, यहाँ देखिए। और ऐसे बताएंगी एक्सपर्ट हमारी। इसके बाद इसमें मसाला मिक्स किया जाता है। ये देखिए मसाला भी है, सारा मसाला एकदम बना लिया गया है और उसमें डाला गया है। ये मसाला सिर्फ इसी के लिए बनाया गया था और इसको अब हम इसमें डालते हैं और जो भी इसमें डालना है वो डालेंगे। इसको फिर फ्राई करेंगे। मसाला भुनने के बाद फिर हाँ, फिर ये जब मसाला पूरे अच्छे तरीके से भून जाएगा फिर उसके बाद इसको ये पूरा लाल होना चाहिए, फिर इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए झारखंड का फेमस डिश है और ये बरसात के समय में ही होता है गाइस। मतलब आप लोग मीट या मुर्गा खाते हैं उससे ही बहुत ज्यादा टेस्टी है, काफी प्रोटीन है इसमें। प्योर भेज है, वेजिटेरियन है और काफी अच्छा लगता है खाने के बाद। जब बन जाएगा ये तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा फिर। अभी तो ये मसाला चढ़ा हुआ है और अभी यहाँ ये कटा हुआ है। अभी हल्दी पड़ा इसमें, दो से तीन चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। वैसे मिर्च पड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा मिर्च पाउडर तीखा होने के लिए करके, और थोड़ा सा भूनने के लिए थोड़ा सा पानी, स्वाद अनुसार नमक, पांच मिनट इसको फ्राई करेंगे, भूंजेंगे। कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर लाने के लिए, तो चला लेंगे फिर मिक्स कर लेंगे। हम चिकन में मसाला यूज करते हैं, इसी मसाले को इसमें डालना है। ये है मीट मसाला, चिकन मीट जो भी है। मतलब मसाला जो बनाना है, जो चिकन में मसाला बनता है वही मसाला। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से बनाना। ये देखिए अब 5 मिनट ये मसाला भून चुका है। अब इसमें इसको डालेंगे फुटकू। फुटकू खुद फर्स्ट टाइम बना रहे हैं हम। फुटकू को भूजेंगे 5 मिनट इसके साथ। ढक दे, इसको ढक देना।
गैस कम कर देना है, पूरे अच्छे तरीके से ढककर छोड़ देना है 5 मिनट। ये देखिए ये मेरी सबसे छोटी वाली गुटनी है, गुटनी हम लोग बोलते हैं ऐसे इसको, देवरानी, देवरानी बोला जाता है। ये मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी है और इसी का ये डिश है। यही बताई कि डी ऐसा ऐसा होता है, खाना चाहिए, अच्छा भी लगता है, तो सोचे चलो आज ट्राई करके देखते हैं। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। हाँ डालिए, हाँ ये कह रही है कि ग्रेवी अपने हिसाब से डालिए, आपको जैसा इसमें रखना है। आज खाकर पता चलेगा इसको खाने के बाद कैसा लगता है, वाकई ये चिकन की तरह लगता है या मटन की तरह लगता है ना। इसको बस इतना ही ग्रेवी डालना है इसमें, थोड़ा सा और नहीं डाल सकते हैं, ज़्यादा फिर पतला जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। थोड़ा सा और डालिए, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वो खरकेगा, मतलब बॉयल होगा, तो 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसको तो 4 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। अब ये हो गया रेडी, अब चली मैं आटा लगाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, सबको नाश्ता करवाऊंगी। ओके बाय बाय। ये देखिए हमारा जो ये है फुटको बन करके रेडी हो गया है, और इसे शायद माही भाई एमएस धोनी ने भी यहाँ रांची में खाया होगा, और हम लोग धोनी भाई के शहर में हैं रांची में, और ये फुटको बनाए हैं आज। फुटको काफ़ी टेस्टी और अच्छा और बहुत डिलीशियस, देखने भी बहुत अच्छा लग रहा है। जोहार झारखंड। देखिए गाइस हम लोग का फुटको रोटी तैयार हो गया, और थोड़ा सा प्याज काट के रख लिए हैं, और इसे अब हम लोग खाएंगे। ये हमारा फुटको है, ठीक है गाइस, इसको हम लोग मिला रहे हैं, और देखिए ये काफी क्रंची है, बहुत स्पाइसी, अच्छा एक बार टेस्ट करते हैं। डिलीशियस। कैसा बना? अच्छा बना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू। जोहार झारखंड, माई भाई के शहर में हूँ अभी, और फुटको रोटी खा रहा हूँ। अमर धोनी के शहर में रांची झारखंड फुटको खा रहा हूँ। जोहार झारखंड, जय जोहार, जय जोहार।